दोस्तों वेलकम टू अजहर यूसुफ चैनल। आज इस वीडियो में हम महाबलेश्वर, ओल्ड महाबलेश्वर आए एक्चुअली, और यहाँ पे कवर करेंगे एक छोटा सा गांव। बहुत सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे, जैसे ये गांव जो है वो कितना बड़ा है, यहाँ पे लोग क्या बिजनेस करते हैं, यहाँ पे लोग रहते कैसे हैं और ये लोग के घर कैसे हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए दोस्तों, हर शहर जो है वो एक चैप्टर है मेरे लिए, और हर चैप्टर को मैं ऐसे ही रिस्पेक्ट करता हूँ, जज नहीं करता। तो दोस्तों हम पूरी तरह से एक छोटे से विलेज को जो महाबलेश्वर में है, जो ओल्ड महाबलेश्वर में है, उसको कवर करते हैं। लेट्स गो फॉर इट। और दोस्तों यहाँ पे कुछ दोस्त हैं मेरे जो यहाँ पे रहते हैं, और वो मेरे साथ मेरी मदद करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे ये कवर करने में। आपका नाम क्या है? आदित्य। आदित्य, आदित्य बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप मुझे अपना गाँव दिखा सकते हो? बताओ ना कैसा है, कहाँ हम यहाँ जाए अंदर? चलिए। बहुत छोटी छोटी गलियाँ रहती है। छोटी छोटी गलियाँ है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 36 घर है। 30। यहाँ पे बारिश में वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है? नहीं। रास्ते थोड़े से पथरीले हैं, लेकिन फिर भी डिसेंट है। ये देखिए, ये घर ये किस चीज का बना हुआ है? ये थोड़ा सा अलग है। इधर मराठी में नीच से बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा, तुम्हारे इधर क्लास बोलते हैं। हेलो आंटी। और यहाँ से और है, ये कुछ ठंडी वगैरह से बचाता है क्या? हाँ, ठंडी वगैरह से बचाता है। अच्छा, ये घर है। हाँ। और यहाँ से अंदर है। हाँ। ये पूरे टोटल 30 घर है यहाँ पे, मतलब आई थिंक 100-150 लोग रहते होंगे। बच्चों का ग्राउंड है यहाँ, बच्चों का ग्राउंड है, छोटे छोटे बच्चों का ग्राउंड है। देखते कहाँ, ये जो है यहाँ पे खेलते वो लोग। हाँ, नहीं खेलते? नहीं, खेलते यहाँ पे, खेलते ना। हाँ। क्या खेलते हो? क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी वगैरह। ओके, सबसे बड़ा जंगल ये, सबसे बड़ा जंगल। हाँ। और यहाँ से रास्ता क्यों बना हुआ है, ये कहीं जाता है क्या? हाँ, जाता है। कहाँ? उधर टोल नाका लगता है तुमको। अच्छा अच्छा, तो ये उधर से। अच्छा, तो ये तुम लोगों का शॉर्टकट है? हाँ, शॉर्टकट। अच्छा, जाने के लिए अलग सा रोड है उधर, पूरा जंगल से। अच्छा चलिए, यहाँ पे आगे कुछ है? आगे कुछ बस वही है जो हमने देखा। ये दोस्तों हम गांव से बाहर निकले, और यहाँ पे कुछ यहाँ के जो बड़े लोग हैं उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली इनका बिज़नेस क्या है, ये कमाते कैसे है। मैं वो जानना चाहता हूँ आंटी के, मतलब बिज़नेस का है आपके पास, मतलब पैसा कहाँ से आता है? छोटा सा छोटा इधर स्टॉल है। हाँ, छोटा, इसलिए ये कमाती। इधर खेती वेती कुछ नहीं, यहाँ का जो बिजनेस है ये जो स्टॉल है। हाँ, बस यहाँ पे खेती वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसके अलावा कोई भी बिजनेस नहीं है? कोई भी नहीं। मतलब होटल में बर्तन घिसने के लिए जाता है बैलों का? हाँ, होटल में जाता है बर्तन घिसने के लिए। हाँ। बर्तन साफ करना, लादी पुसना। अच्छा। हाँ। और दुकान, बस और कुछ भी नहीं है? कुछ भी, खेती वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे ऑप्शन। बारिश बहुत होता है इधर, और बारिश के टाइम पे फिर तो शायद लोग भी कम आते होंगे शायद यहाँ। नहीं नहीं, बारिश में घर में बैठने का, बहुत बारिश होता है तो कोई बाहर नहीं निकलता। खाना पीना 4 महीने का भरने का खाना। अच्छा, ये कमाने का इधर स्टॉल में कमाने का। हाँ। 4 महीने का भरने का और बैठ के खाने का। मतलब जो 4 महीना बारिश का है। हाँ। वो सिर्फ बैठ के खाना है, वो टाइम पे आप काम नहीं करते? काम नहीं, बहुत बारिश होता है। अच्छा, बहुत ज्यादा बारिश होता है। अच्छा, अरे ये इधर खेती नहीं होती, पूरा जंगल ऐसा बारिश में आता है ना, ये जंगली सब। अच्छा, और यहाँ के जो बच्चे लोग हैं
वो स्कूल वगैरह उनके लिए? दो महीना बंद होता है इसका पुल। दो महीना बंद होता है बारिश के टाइम पे या फिर अप्रैल मई में? वो जो बारिश में और जो अप्रैल और मई में बंद होता है वो नहीं, इधर नहीं होता है। और यहाँ पे अच्छा स्कूल है? अच्छा है, अच्छा। इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम सब है जो जैसा? मार्केट में, इधर नहीं। यहाँ से कितना दूर है स्कूल? इधर से 7 किलोमीटर। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर स्कूल है? तो वो कैसे जाते हो आप, कैसे पहुँचते हो? ट्रैक्स होती छोटी गाड़ी। अच्छा, वो कोई तकलीफ नहीं होती पहुँचने के लिए आपको? ऐसा पैदल नहीं जाना पड़ता? नहीं। अच्छा, और यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह? नहीं, मार्केट जाना पड़ता है 6-7 किलोमीटर। और अगर मेटर्निटी वगैरह कुछ अर्जेंट आया तो कुछ एम्बुलेंस वगैरह सर्विस है के? नहीं नहीं। तो कैसे जाएंगे अगर किसी को कुछ अर्जेंट होगा तो? किसका गाड़ी करने का और जाने का? और मिल जाता है आराम से, वो कभी कोई इशू नहीं होता है? नहीं नहीं, इधर सब लोग अच्छे हैं, एक दूसरे के काम आते। अच्छा, इधर ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने इतना बताया, थैंक यू। आपका नाम? सुमन रंजनी। आप भी यहीं पे रहते हो? हाँ, जो गांव मैंने छोटा सा देखा। हाँ, इधर ही रहे। ठीक है, थैंक यू। ये मेरा है। ये आपका स्टॉल है? ठीक है, थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमने पूरा गांव घूम लिया, हमने समझ लिया कि इनके पास पैसे, इनका बिजनेस, इनकी इकोनॉमी, ये छोटे से गांव की इकोनॉमी चलती कैसे है। अब जानते हैं कि ये कैसे घरों में रहते हैं। घर देखते हैं इनका। ये है इनका एक घर, 30 घरों में, ये गांव में 30 घर है, उसमें से एक घर। जूते यहाँ पे मैं उतार लेता हूँ, मैं जाऊँ अंदर। ये है घर। ये है किचन, ये बाथरूम, और यहाँ से फिर से बाहर निकलने का रास्ता? हाँ, बाहर ये सीधा बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ पे खाना बनता है? हाँ, यहाँ पे खाना बनता है। तो खाना जो बनता है वो जो हमारे यहाँ पे सिगड़ी वगैरह होती है, सिगड़ी भी ना? अच्छा, यहाँ पे भी है? तो फिर यहाँ पे भी रहता है? यहाँ पे आग से खाना शाम से बनाते हैं। अच्छा, ये मॉर्निंग के लिए ये यूज करते हैं। अच्छा, इसके साथ सिलेंडर भी है। और ये है वॉशरूम। और ये छोटा सा घर। आपका घर बहुत प्यारा है। इसके अलावा लेकिन एक चीज मैंने देखी, आपका घर तो फिर भी अच्छा, ऊपर छत किस चीज की है? ये लकड़ियां डालने के लिए। अच्छा, बारिश। आपका घर तो फिर भी बहुत प्यारा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो है वो पत्रे, उसके अंदर दीवार है? नहीं, दीवार नहीं। दीवार नहीं है उनके, सिर्फ पत्रे? हाँ। अच्छा, ठीक है, तो अब चलता हूँ मैं। ये भी एक और रूम? ये रूम इधर दुकान है। यहाँ पे दुकान है? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। ब्रांड रहते हैं इधर, पर उनको ब्रांड रहना पसंद नहीं। सब ऐसे ही रहते हैं? सब क्या रहते हैं यहाँ पे? ब्रांड सब है? ब्रांड सब है, ऐसे ही रहते हैं सब ऐसे ही रहते हैं। ब्रांडेड कपड़े ऐसा कुछ भी नहीं? अच्छा, उनके पास गाड़ियाँ बहुत है पर ब्रांड रहते नहीं। यहाँ पे लोगों के पास, आप बोल रहे हो गाड़ियाँ बहुत है, हाँ। कार्स वगैरह सब है, सब है, लेकिन फिर भी ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनेंगे? ब्रांडेड होम नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, घर वर नहीं सुधारेंगे? हाँ। लेकिन गाड़ियों पे खर्चा करेंगे, आप ऐसा बोलना चाह रहे हो? दोस्तों, वो घर हमने एक देखा, और अभी एक और घर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये पत्रे आपको सामने दिखेंगे, और यहाँ पे मैं जूते उतार लेता हूँ पहले। गोबर का रहता है इसे। ये जो है हाँ। वो सब गोबर का बना हुआ है? हाँ। ये अंदर आपका रूम, ये बाथरूम, हाँ। और यहाँ पे आप खाना बनाते? खाना बनाते। आपको यहाँ पे क्योंकि ये पत्रे का है तो ठंडी वगैरह कभी लगती नहीं? लगती, वहाँ तो क्या करे, ठंडी लगती। गर्मी भी बहुत लगती होगी आपको? नहीं, गर्मी नहीं होती, क्योंकि गर्म हो जाता होगा ये पत्रा शायद? ना, आता है पाउस सारका तो कैसे सका? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे बारिश पड़ता है ना सारका? हाँ, मैं कैसे सका, ठंडी वास्ती। खाने पीने के लिए वगैरह आपको यहाँ पे कभी कोई तकलीफ नहीं होती? नहीं
नहीं ना, रेशन सब... रेशन राशन मिल जाता है आपको, हाँ, कोई इशू नहीं, मतलब गवर्नमेंट यहाँ के बहुत अच्छी है, हाँ, सपोर्ट करती है, हाँ, रेशन है। अरे वाह, चलो बहुत अच्छा है, ठीक है।